कृषि रोड मैप को लागू करने के बाद राज्य की कृषि में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता का विकास हुआ। चूँकि द्वितीय कृषि रोड मैप की अवधि वर्ष 2012 से 17 तक की थी, इसी कड़ी में तृतीय कृषि रोड मैप, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2017 से 2022 तक किया जाना था, इसके लिए कार्यक्रमों को निरूपित करने की आवश्यकता पड़ी। इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा दिनांक 10 जून 2017 को पटना के ज्ञान भवन में किसान समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि रोड मैप की परिकल्पना की तो कृषि रोड मैप की जो को तैयार करके उस पर अमल करना प्रारंभ किया तो इसका जो मूल इसके पीछे इसकी कहिए नीति है या लक्ष्य है वो यही है कि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। अगर कृषि रोड मैप का लक्ष्य हम पूरे तौर पर तो कोई कल्पना नहीं करता है, एक आदर्श स्थिति है, लेकिन हम अगर 90% और 80% भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाए तो बिहार कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष राज्य के सभी जिलों से आए लगभग 700 किसान भाइयों एवं बहनों ने अपने अपने सुझावों को रखा, जिसे तृतीय कृषि रोड मैप में समाहित किया गया। इस रोड मैप के तहत आज शुरू की गई जैविक कॉरिडोर, मछली पालन, सिंचाई, सहकारिता और बिजली से जुड़ी नौ योजनाओं के कार्यान्वयन से कृषि विकास को बल मिलेगा। कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई है। मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं: बिहार में चावल की उत्पादकता वर्ष 2007-08 में 12.37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 24.96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। गेहूं की उत्पादकता वर्ष 2007-08 में 23.35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 30.78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मक्का की उत्पादकता वर्ष 2007-08 में 27.39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 52.36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। फलों की उत्पादकता वर्ष 2007-08 में 112.90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 136.90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और सब्जी की उत्पादकता वर्ष 2007-08 में 159.40 था, जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 194.60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। फल, सब्जी और फूल के विपणन व्यवस्था को आधुनिक तरीके से विकसित करने के लिए वैल्यू चेन को विकसित किया गया है। कृषि रोड मैप लक्ष्य के अंतर्गत कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती पर विशेष जोर दिया गया। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय और राजकीय सड़क के दोनों तरफ गांवों का चयन कर जैविक कॉरिडोर योजना राज्य के 13 जिलों में चलाई जा रही है। बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी बसोका के द्वारा किसानों को जैविक प्रमाणीकरण की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।